will hunt you down. फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी। आप यही सोच रहे हो कि ऐसा थोड़े हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब दोस्तों सलमान भाई की फिल्म टाइगर 3 12 तारीख को रिलीज होने वाली है, ये सभी आपको पता होगा। कुछ देशों में 11 तारीख को रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों कल से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरे देश भर में शुरू कर दी जाएगी। वहीं अभी ओवरसीज में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है, जो कि अच्छी खासी बुकिंग जा रही है ओवरसीज में। इतना ही नहीं, कई बड़ी फिल्मों को रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने धो डाला है। लेकिन दोस्तों भारत से कुछ अच्छी खबर निकल के सामने आई है। आपको पता हो या ना हो, YRF के स्पाई यूनिवर्स फिल्म फेस्टिवल चल रहा है अभी, जिसमें YRF द्वारा रिलीज की गई कुछ फिल्मों को देश भर में लिमिटेड जगहों पर रिलीज किया गया है। जिन फिल्मों में एक था टाइगर, पठान, वॉर, टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्में शामिल है, और इसमें तो टाइगर सीरीज के दोनों ही पार्ट शामिल है। और दोस्तों जान के आपको बहुत खुशी होगी कि टाइगर सीरीज के दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है, क्योंकि इन जो फिल्मों को रिलीज किया गया था उसके कलेक्शंस रिपोर्ट हमारे पास आ गए, जो कि हमारे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। बॉक्स ऑफिस पैन इंडिया वालों ने ट्वीट किया है और इन फिल्मों में सबसे ज्यादा कलेक्शंस एक था टाइगर ने किया है, जो कि आप देख सकते हो 1500 मिला था एक था टाइगर को, और एक था टाइगर ने 35,000 रुपए कमाए हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सिर्फ 35,000, तो देखिए लिमिटेड जगहों पर रिलीज किया गया है क्योंकि फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। दूसरे नंबर पे पठान फिल्म रही है, जिसको 900 मिला था और 7,000 रुपए कमाए हैं। वॉर फिल्म तीसरे नंबर पे रहा है, जिसको 800 मिला है, 5,000 रुपए कमाए हैं। और टाइगर जिंदा है, वो 800 मिला था, 4,000 रुपए कमाए हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ये लिमिटेड जगहों पर रिलीज किया गया है। और इन फिल्मों के टिकट प्राइस पता है आपको कितने हैं? मात्र 80 रुपए। एक टिकट का कीमत 80 रुपया है मात्र। तो आप सोच सकते हो उसमें एक था टाइगर ने टॉप किया है। अभी तो टाइगर 3 रिलीज भी नहीं हुआ है और टाइगर के यहाँ दो फिल्में रिलीज की गई है और दोनों ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। कल मैं देख रहा था हाउसफुल शो जा रहा था, मैं अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ, और कल कुछ वीडियो फुटेज भी आए थे जो कि सिनेमा घर के अंदर से आया था। लोग काफी ज्यादा लाउडली चिल्ला रहे थे सलमान सलमान। और दोस्तों ये तो 10 साल पहले फिल्म रिलीज किया गया था, 5-7 साल पहले फिल्म रिलीज किया गया था, उसकी इस तरीके की रिस्पॉन्स है। कल कई सारे ट्रेड एक्सपर्ट ये मैसेज कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि ये फिल्में बहुत पुरानी फिल्म है और उसको जो है इतनी अच्छी रिस्पांस मिल रही है, जिसमें टाइगर ने टॉप किया है, तो सोचो टाइगर 3 का क्या रिस्पांस मिलने वाला है। ओवरसीज में ऑलरेडी ये फिल्म बहुत अच्छा कमाल कर रही है। तो दोस्तों रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टाइगर सीरीज जो है अभी फिल्में रिलीज की गई और देख सकते हैं किस तरीके से धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो सोचिए टाइगर 3 किस तरीके से बवाल मचाएगी।